अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे अलीज़े कहते हैं, आप देख रहे हैं अलीज़े चौधरी ऑफिशियल। जी, तो वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। अच्छा जी, आज हम करने जा रहे हैं बात एक बड़ी आम सी चीज़ के बारे में, पानी कम पीने की वजह से और पानी की कमी होने की वजह से हम लोगों की स्किन काफ़ी ख़राब हो गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे भी अनइवन लग रही है अपनी स्किन। अभी जब मैं सुबह आराम से तसल्ली से फ़ेस वॉश करके देखा तो मैंने कहा कि नहीं, स्किन को थोड़े से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आज की इस वीडियो में मैं अपने चेहरे पर अप्लाई करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। और मैं एक ऐसे इन्ग्रीडियंट से, एक ऐसी सब्ज़ी से आप लोगों को रंग निखारने का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगी कि आप अमेज, मतलब दिस इज़ अमेजिंग, आप लोग हैरान रह जाएंगे। और एक ऐसी चीज़, कभी भी मैं अपनी वीडियोस में वाइट होने के बारे में बात नहीं करती क्योंकि वो एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। निखारने की बात करेंगे, जो भी आपका रंग है वो खूबसूरत है, अल्लाह ने आपको दिया है, हम इसको निखारने की बात करेंगे, उसको एक्चुअल जो उसका एक टोन है उस पर लाने की बात करेंगे। सो चलते हैं किचन की तरफ, आपको बताती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। करना क्या है कि आपने एक आलू लेके इस साइज़ का, और इसको आप छील लीजिए, पील ऑफ कर लें, और उसके बाद आपको चाहिए कद्दूकस। अब मैं बताती हूँ कि करना क्या है। जी, तो ये सारा कद्दूकश हो गया, इसमें से निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत बारीक वाला किया। आप इसको वैसे ब्लेंडर में डाल के चॉप करके भी इसको स्क्वीज़ करके निकालेंगे तो इसका अर्क निकालना है। बेसिकली मकसद हमारा है कि इसका पूरा पानी निकल जाए। जी, तो इस तरह आलू का पानी निकाल लिया हमने स्क्वीज़ करके, मैंने तो हाथों से निकाल लिया है। आप इसको ब्लेंडर चॉपर में डालकर भी पेस्ट सा बना कर, अगर किसी कपड़े में डाल के नहीं छोड़ेंगे तब भी पानी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये है कि आलू का जो ये पानी होता है अर्क, इसमें वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको बहुत निखार देता है, लेकिन इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो मैसी हो जाएगा, शर्ट वर्ट पे गिर जाएगा और बड़ा अजीब सा होता है, फिर उसके बाद आपको शॉवर लेना पड़ता है। तो बेस्ट है, जो मैं तरीका करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल इतनी सी, ये देखिए, इतनी सी आप इसमें डालें हल्दी, और ये देखिए इतना सा आप डालें इसमें बेसन। बेसन आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, ये बेसिकली इसको एक पेस्ट सा बना लेते हैं हम। आपको पता है बेसन भी रंग निखारने के लिए काफ़ी ज़मानों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं, जैसे मैं थोड़ा और बेसन ऐड कर लेती हूँ, इतना सा और, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, ये दोनों चीज़ें मिलके ज़्यादा अच्छा फर्क डालेंगी, ज़्यादा अच्छा क्या कहना चाहिए, निखार आएगा। लेकिन बी केयरफुल के इसमें ये कोई इस तरह की वो गुठली ना रहे, क्योंकि अगर ये रह जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा और एप्लीकेशन भी अच्छी नहीं होगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो मास्क इस्तेमाल किया उसके बाद के रिजल्ट्स कैसे हैं, करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो इसको लगाने के बाद एक काम और आपने करना है कि 10 मिनट्स वेट करना है, आराम से समर से बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ड्राई होने के दौरान जो मीन वाइल आपने बातें नहीं करनी, क्योंकि इससे स्किन टाइटनिंग का भी थोड़ा प्रोसेस होता है, हफ्ते में दो बार इस्तेमाल कर लीजिए, आपको किसी फेशियल, किसी ब्लीचिंग, वाइटनिंग ऐसे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं रहेगी, आराम से। जैसे कि आपको पता है आजकल सिचुएशन भी ऐसी है कि आपको घर पर ही रहना बेहतर है आपके लिए, सो इसको इस्तेमाल कीजिए। हाँ, एक काम और करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, बॉडी में पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हम, मैंने पहले भी बताया, आपने हाइलोरोनिक एसिड्स मिल रहे हैं बाज़ार से, प्योरीफाई वाटर भी कहते हैं, प्योरीफाइंग वाटर, इसके अलावा मिरेकल वाटर भी कहते हैं, उसको आसानी से मिल जाते हैं, वो इस्तेमाल करें। जब भी आप वजू करें या स्किन वॉश करें तो आप अपने फेस पे वो अप्लाई कर लें, उससे बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड हो जाएगी स्किन और स्मूथ हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इसको ज़रूर इस्तेमाल करके मुझे बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस मास्क के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।